बसपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा है कि बहुचर्चित उसरी कांड में माफिया बृजेश सिंह को सजा होने से बचाने के लिए विधायक मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश की जा रही है। उन्होंने योगी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध में कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्भया के गुनहगारों को भी लोकल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपील व रिवीजन का मौका मिला था, लेकिन योगी सरकार ने अंसारी परिवार के विरुद्ध कार्रवाई के मामले में संवैधानिक परंपराओं व कानूनों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर उसरी में गत 15 जुलाई 2001 को जानलेवा हमला हुआ था। मुख्तार अंसारी ने इस जानलेवा हमले के मामले में माफिया बृजेश सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बृजेश सिंह के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमे में मुख्तार अंसारी की गवाही को रोकने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही मऊ, लखनऊ व आगरा कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की न्यायालय में पेशी न कराकर उन्हें उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि मुख्तार अंसारी की हत्या की योजना को साजिश के तहत अमली जामा पहनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को भय है कि मुख्तार अंसारी की गवाही होने के बाद बृजेश सिंह कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व मुख्तार अंसारी की येन केन प्राकरण हत्या हो सकती है। बंदा जेल में वर्ष 2018 में मुख्तार अंसारी को चाय में जहर देकर मार डालने का प्रयास हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। बसपा सांसद गाजीपुर के होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर लोकसभा में पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बार सभा व सारी ताकत झोंकने के बाद भी मनोज सिन्हा की 1.25 लाख मतों से करारी पराजय की बौखलाहट में भाजपा सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा पार कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका तकरीबन 40 साल का राजनीतिक जीवन है, अभी तक कभी किसी सरकार ने ऐसा कार्य प्रतिशोध के कारण किसी के साथ नहीं किया। उन्होंने इसके साथ ही जोड़ा कि निर्भया के गुनहगारों को भी लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील व रिवीजन का मौका मिला था, लेकिन उनके परिवार को अपील व रिवीजन करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने व अपनी नाकामियों को पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार प्रतिशोध में कार्रवाई कर रही है।